मेरठ ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र में ध्यानचंद नगर में देर रात कुंबल करके एक कुरियर कंपनी में दाखिल हुए बदमाशों ने करीब 2.5 लाख की रकम लूट ली। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद घटना के शीघ्र खुलासे का दावा किया है। जानकारी के अनुसार टीपी नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरम गुजराती मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय सतपाल देवलोक कॉलोनी स्थित त्यागी सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड था। परिजनों के मुताबिक इन दिनों सतपाल की ड्यूटी ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद्र नगर में गोल्डन टावर प्लाजा स्थित सिक्योर एक्स कोरियर कंपनी में लगी हुई थी। बताया जाता है कि सुबह सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक गार्ड को चेक करने पहुंचा तो कोरियर कंपनी के बराबर में स्थित एक दुकान में सतपाल का शव सोफे पर पड़ा देखा, उसके होश उड़ गए। कंपनी मालिक के शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद कोरियर कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी के बाद एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, एसपी क्राइम डॉक्टर बीपी अशोक, सीओ ब्रह्मापुरी चक्रपाठी त्रिपाठी, फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान कोरियर कंपनी की दीवार पर कुंबल पाया गया। वहीं बदमाशों ने सेफ का ताला तोड़कर पूरे कार्यालय को जमकर खंगाला था। कोरियर कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक बदमाश 2,66,000 की रकम और अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। वहीं सतपाल का शव की जांच करने पर उसके गले में एक कपड़ा लिपटा मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि बदमाश कोरियर कंपनी की दीवार में कुंबल करके चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, मगर इसी दौरान सतपाल जग गया और उसके विरोध करने पर बदमाशों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। पुलिस ने सतपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकदमा तैयारी कैसे दे दी तुमने? पागल है पुलिस वोसिटी के? मुकदमा कहा तहरीर का? कौन बना रहा वीडियो? तहरीर देर से सारे पागल थोड़ा है पुलिस का, इसी काम के लिए फोन नंबर पर करी कंप्लेन करेंगे। फोन नंबर पर आ रही है तहरीर है सर, 3 दिन से तो बच्चे भूखे मर। अरे रुक जा भाई, हमें काम करने दे। हमको हम भी तो छोड़ कर आ रहे बच्चों के, हम इसी काम के लिए तो आ रहे, हम करना क्या है यहाँ? लिख क्या था इसमें? लिखवा इसमें पीएम कराओ पहले, कटाओ यहाँ से पीएम कराने के बाद। हट ले चलो बाहर, हटा दे अभी से लौटो पीछे जाओगे तो सारे बिना पुलिस के तुम यहाँ लिया रेड बॉडी को तो थोड़ा तुम्हारे राज चला गया। चलो पुलिस तो पागल है, हट जाओ सब पीछे, हट ना डर बॉडी पीएम के लिए रवाना करो। हिम्मत कर दी पुलिस के, बोले पुलिस के भी लिया बिना उसके हिम्मत के लिया रेड बॉडी उठा के। मेरा नाम भोलिया जी। क्या नाम है? मेरा नाम भोलिया जी। क्या मामला? जी यहाँ मेरे पिताजी नौकरी करते थे नीतीश त्यागी के पास, नौकरी तो यहाँ भैया। क्या नाम? मेरा नाम भोले है जी। क्या मामला है? यहाँ पिताजी नौकरी करते थे यहाँ गार्ड की, और यहाँ चोरी हो रही है, मार के रखे हैं। कब कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ? ये 13-14 महीने से काम कर रहे हैं जी। ये किसके यहाँ काम करते हैं? कहाँ पे हुआ? ये नीतीश त्यागी के पास काम करते हैं जी। ये किस चीज की शॉप है? ये तो मेरे को पता नहीं, नीतीश त्यागी भेजता है ना काम का देवलोक वाला। हाँ सीधे जी भैया। क्या नाम आपका? गौरव। क्या मामला है? रात हमारा ये ऑफिस है ध्यानचंद नगर में, और यहाँ पर रात गार्ड को मार गए, यहाँ पर लूट हुई है यहाँ पर, और मेरा सारा कैश वगैरह सब गायब है। तकरीबन 2,66,000 के आसपास कैश है मेरा,
वो सब गए थे, यहाँ गार्ड को जान से मारा। कितना मोबाइल वगैरह भी कुछ किया है? अभी सामान का अभी अंदाजा नहीं है, जब तक मैं सिस्टम में पहले एक बार चेक करूँ उसके बाद सामान का पता लगेगा कि सामान भी कुछ गायब है। कैश मेरा सारा गायब। गार्ड कितने समय से काम करें आपके यहाँ? मैं सर यहाँ पे लगभग 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ, ब्रांच इन चाकू में। और गार्ड जो है? गार्ड भी ये हमारे सिक्योरिटी जो बिल्डिंग के मालिक है उन्होंने रखा हुआ है गार्ड, और ये गार्ड भी बदलते रहते हैं वैसे। और अभी हाल फिलहाल में ये वाला गार्ड लगा हुआ था जो मदद चली थी। सर ये क्या मामला है जो गार्ड की हत्या कर दी गई है? ये ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद नगर है, अग्रणी कॉलोनी है। इसमें एक बिल्डिंग बनी है जिसमें दो दुकानों में एक कुरियर कंपनी अपना काम करती थी, और इस कॉम्प्लेक्स का उसके चौकीदार, इसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, जिंदावस्था में पाए गए। इस सूचना पर जब पुलिस आई तो यहाँ पर देखा गया कि कुरियर कंपनी की दुकान में कोमल लगा के वहाँ से चोरी की गई है, और गार्ड वहाँ पर मृतावस्था में पड़े मिले हैं। शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है, लेकिन मुंह और गला मौत यही इस पर दबा करके चौकीदार की हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम और हमारी जो स्पेशल टीमें हैं सब आ गई हैं, उसमें आवश्यक छानबीन कर जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा।